नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेरे पास गैस चूल्हा है, देखिए इस तरह हिल रहा है। किसी जो पैर रहता है वो पैर टूट गया है तो पैर लगाने का है। और दोस्तों देखिए इसका पैर कैसा हो गया, टूट गया है। अब दोस्तों ये खोलना है और इसको खोलने पर देख ले कि आपका जो नट है जंग लगा है क्या। जब डाले खुलेगा नहीं तो क्या करें, सबसे पहले इस पैर को आप तोड़ दें, इस तरह तीन बार पहले तोड़ दें, टूट गया है। दोस्तों जो खोलने का है तो आपको ऐसे दो पकड़ होना चाहिए तो ही खुलेगा, ये एक पकड़ तो खुलेगा नहीं, या फिर आपके पास एक्स्ट्रा ब्लेड हो तो उसे काट दें। दोस्तों उसे काटना होगा तो आप चाहें आपके पास फ्रेम तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप चाहे ब्लेड भी लेके आ सकते हो, लेकिन खाली ब्लेड रहेगा तो काटने में बहुत टाइम लगेगा और तो फ्रेम में तो अच्छी बात है। अगर लेकिन आप दुकानदार नहीं घर वाले हैं आप फ्रेम घास लाएंगे तो आपको ऐसे काम चलाना पड़ेगा। तो क्या करें, पहले तो ट्राई करें खोल लेगा, अगर नहीं खुलता है तो उसको काटे पीटे काम करें, डायरेक्ट काटना ना करें। तो क्या होता है कभी भी खुल जाता है, ये जैसे जंग लगा है। और उसको चाहे घाटे डाल दें या फिर घाटे में पानी डाल दें, दूसरे में से डालता हो घाटे जला जंग हमारा खुल ढीला जाता है और तो खुलने में आसानी होती है। पहले सब में घाटे डाल दें आप, जैसे मेरे पास ग्राइंडर है मैं तो डायरेक्ट कट कर देता हूँ, करके नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कभी आपके घर पे गैस चूल्हे का पैर टूट जाए तो कैसे लगाएंगे, आपको दुकान न लाना पड़े, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। दोस्तों पहले पकड़ थे इसको पकड़ लें और फिर दूसरे पकड़ थे इसको खोलें। तो दोस्तों ये इसके ऊपर से खुलेगा तो है नहीं, हाँ दोस्तों खुल गया ये, लेकिन दोस्तों आपको गाजर डालना भूलना नहीं है, गाजर जरूर डालना है। तो देखिए फिर से आप इसी तरह से इसको भी ऐसे करें, और दोस्तों अगर इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इसको भी इस तरह से खोलना है आपको, नहीं खुलता तो परेशान ना हो आप, उसको बाद में काट दें। दोस्तों देखिए खुल नहीं रहा है तो नहीं खुल रहा है, क्या करें पहले इसको आप अपने नज़दीक बनाएं, बाकी जितना नज़दीक रहेगा उतना वो खुलने में आसानी होगी। दोस्तों नीचे से आपको नट पकड़ना है, ना कि आपको बोर्ड पकड़ लेना है, नट पकड़े तो ही खुलेगा। और इसको आराम से घुमाएं, दोस्तों नहीं खुले मेरे पास लॉक पकड़ भी है, मैं तुम्हें सिर्फ खोल देता हूँ, दोस्तों भी लगा लगा दो लॉक पकड़, इसे तो खुल जाएगा ये। दोस्तों ये देखिए इस तरह का लॉक पकड़ ज़रूर लेके आए, ये पकड़ इतना ज़बरदस्त है कि एक बार इसके ग्रिप में आ गए जो भी चीज़ फिर दोबारा भाग नहीं सकता, वो उसको खुले बिना कुछ नहीं है। इस तरह से एक बार लॉक कर दें और नीचे से आप मंकी पकड़ से इसको पकड़ लें। अब दोस्तों क्या होगा, या तो खुलेगा ये या फिर टूट जाएगा ये। दोस्तों देखिए कितने प्यार से खुल जा रहा है ये, दोस्तों कोई भी चीज़ खोलना होगा आपके जितना नज़दीक में रहेगा वो सामान उतना वो खोलने में आसानी होगी, दूर रह क्या होता है ताकत लगता नहीं बराबर। और तो इसके लिए जो भी आप खोलना हो तब के नज़दीक में रहें पहले, दोस्तों समझ जिसको कट करना है आपको एक्स्ट्रा ब्लेड से तो कैसे करेंगे आप, क्योंकि घर पे आपके पास तो मंकी पकड़ साथ ना होगा, और ना मंकी पकड़ होगा ना फिर लॉक पकड़ होगा, तो आप इस तरह से पक्कर से पकड़ लें फिर से कट करें। दोस्तों कट करने में अगर इसे कट करेंगे आप तो कम से कम एक इसको कट करने में 5-6 मिनट जा सकता है। अब दोस्तों इसको मैं कट करता हूँ, दोस्तों देखिए कट गया है। दोस्तों कट करने में यार जल्दीबाजी ना करें नहीं तो आपका इसी में टूट जाएगा ये। तो दोस्तों हमेशा कटिंग करना हो तो एकदम प्यार से कटिंग करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है।
अब दोस्तों देखिए ये नया पाया लगाना अपने को। तो दोस्तों नया पाया लगाते समय कुछ सावधानी है, नहीं तो क्या होगा, आपने बोर्ड टाइट कर दिया। तो ये बोर्ड रबर का है, रबर का है ये, इसमें बोर्ड लगा हुआ है, ये टूट के बाहर आ जाएगा, फिर आपको ये पैर फेंकना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या करें, वो थोड़ा टेढ़ा है इसको सीधा कर दें, इसको पक्का क्षेत्र से सीधा कर दें। फिर दोस्तों इसको इस तरह रखें और आराम से दोस्तों टाइट सी पे बस इतने करना है। आपने जहाँ ताकत लगाया और पाना पकड़ यूज़ किया तो ये आपका पैर खराब होने वाला है। तो इसके लिए हम इसे जिस तरह बता रहा हूँ इस तरह करें। और दोस्तों आपको मेरे चैनल पे हर तरह का रिपेयरिंग वीडियो मिलेगा, और जो कि शायद दूसरे चैनल पे मुझको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारा चीज़ रिपेयर करता हूँ, बहुत सारा चीज़ मतलब बहुत सारा चीज़ जो कोई करता है ना करता नहीं मेरे पास आ गया और तो मैं रिपेयरिंग करूँगा ही। तो इसके दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत उपयोगी चैनल है ये, आपके घर में यूज़ होने में बहुत सारा सामान रिपेयरिंग करता हूँ मैं, तो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है, बहुत सारे पैसे को सेविंग कर सकता है। और तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों देखिए हमारा चारों पैर लग गया है। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको फिर दोस्तों इसको उसके बाद देख लें गर्व है कि नहीं। हाँ दोस्तों हमारा ओके हो गया है। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा लें ताकि डालू वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों कुछ समझ में आए तो कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।